लगती है काम। आजो शो योर हेयर्स, दिखाओ अपने बाल। अच्छा लगा नहीं नहीं करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगा। और शैम्पू की फ्रेग्रेंस कैसी थी? अच्छी थी। तो खूब मस्ती करनी है अब। अच्छा सुनो, शैम्पू आपकी आंखों में तो नहीं लगा? नहीं। पक्का? पक्का। डन? डन। ऐसे से करो हेयर्स, सूखे कि नहीं? शैम्पू पक्का नहीं लगा आंखों में? ये क्या कर रखा है? So she's looking very very happy. और वो बिल्कुल भी नहीं रोई है। कहाँ गई? बिल्कुल नहीं रोई भाई, बिल्कुल भी नहीं रोई, बिल्कुल नहीं रोई। स्माइल। और बहुत खुश है, वरना हिमालयस वाले पे रो पड़ती थी। जबकि मैंने हिमालयस वाला बहुत 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 यूज किया है, लेकिन फिर भी रो देती थी कि लग गया आईज में और आईज थोड़ी सी रेड हो गई। हालांकि वो जलता नहीं आईज में, मैंने लगा के देखा है, बट इससे बिल्कुल नहीं रोई जॉनसन वाले से। और ये कोई पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, अपने उससे बना रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, पहले बाय कर दो। बाय, सी यू। ये खराब सा हो गया ना, ये ठीक करना है, जब पेंट कराएंगे तब। ये इतर उस दिन मैंने दिखाया था आप लोगों को, धोई है अभी, इतने अच्छे से रगड़ रगड़ के धोई है ना, फिर भी ये साफ नहीं हुई अच्छे से। ये चीज़ मैंने सारी रगड़ रगड़ के धोई है, फिर भी साफ नहीं हुई। अभी इसे मैं हार्पिक से कल ट्राई करूँगी, या फिर हार्पिक जो आया ना बाथरूम क्लीनर, वो ट्राई करूँगी इस पर। अभी तो फिलहाल मैंने सर्फ से धोई है, सर्फ से साफ नहीं हुई। कैमरा में बहुत गंदी लग रही है, ऐसे इतनी गंदी नहीं, ऐसे साफ ही लग रही है। कैमरा में बहुत गंदी लग रही है। क्या चाहिए बेटा? ये मैंने डाला है एक चम्मच देसी घी, उसमें डाला मैंने पीनट बटर का थोड़ा सा मसाला, बच गया था बाउल में, वो ऐसे खाने में बहुत तीखा लगता है तो वो डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें मिर्ची डाल सकते हैं, अगर बच्चे खाते हैं तो, अदरवाइज नहीं। हल्का सा नमक डाल दीजिए। ठीक है, ये डाल दिया। अभी गर्म तो हो ही गया ऑलमोस्ट, फीकी खिले यानी कि ये जो फीकी खिले ये डाल दीजिए। ये आप भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं खा सकते। और इसे छोटे से ही मिला दो। सॉरी मेरा थोड़ा सा मसाला जल गया, क्योंकि चाची आ गए थे तो लॉकडाउन है, तो अंदर तो हम ला ही नहीं रहे किसी को। एक डेढ़ महीने हो गया लॉकडाउन सही लगे हुए, तो उसमें बस एक मास्टर जी आए थे, मास्टर जी मेरे
वो भी सीमेंट की पेमेंट करने, अदरवाइज कोई नहीं आया। तो उसको अच्छे से चला दिया मैंने, अब ये भूनता रहेगा अच्छे से। थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने लग गया ना गोल्डन सा, तो आप निकाल देंगे से, आपको पता चल जाएगा कि इसका मॉइस्चर निकल गया है और अच्छे से पक गई। और ये इतनी टेस्टी लगती है ना फ्रेंड्स, इतनी दो मेरे मतलब सारे फ्रेंड्स भी, मेरे दोस्त भी बहुत खाते थे अगर मैं बनाती थी तो, पीजी में सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से खाती थी। और इसको यूपी भाषा में बोलते हैं, लखनऊ वगैरह साइड में लैया, और हमारे यहाँ तो जैसे पंजाब हरियाणा हिमाचल में तो इसे खिल्ले ही बोलते हैं, फिक्की खिल्ले। ये देखो उसका मॉइस्चर निकलने लग गया है, शायद धुआं दिख रहा हो, ये देखो शायद धुआं दिख रहा है ना, इसका मॉइस्चर निकलने लग गया। लेकिन इसे चलाते रहना है, आपने जलाना नहीं है, इसे हल्का सा ब्राउन कर लीजिए। एक आध निकाल के चेक के देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो नमक आप इसमें छिड़क सकते हैं थोड़ा सा। और बस ये भुन गई है, अब आप गैस बंद कर दीजिए, मैंने फ्लेम बंद कर दिया। उसके बाद भी आप चलाते रहिए क्योंकि बर्नर गर्म ही होता है, और ये जो फ्राइंग पैन है ये भी गर्म है, इसे अच्छे से चलाते रहना है। बस ये बन गया बच्चों के लिए अच्छे से, और दूसरी साइड बन गई मेरी चाय भी बहुत ही अच्छे से मस्त वाली। ये मेरी चाय और मेरी फुल्लियाँ खिल। कपड़े धुल गए हैं सारे, चाची आए आज बड़े दिनों बाद। बच्चा पार्टी कहाँ गई? नंगे पैर? इसको साथ भी शेयर कर ले, इसको भी दे देना खाने के लिए। टिया चप्पल पहनो, चप्पल पहनो चीकू। दो गुड़िया को भी हद हो गई आपकी। बस यार फोन की साउंड सिस्टम थोड़ा हो गया खराब, इसमें मैं वो नहीं कर सकती हूँ वॉइस ओवर। भैंस वैंस चरा रहे हैं लोग, दिख रहा होगा आपको शायद, सूरज डूब रहा है। अब यार इसकी क्लैरिटी ना ऐसी है, अब नया फोन लूंगी तभी हो सकता है कुछ। बाकी का मेकअप का सामान रखती हूँ, ये वाली मैंने रख रखी है यहाँ पर फ्रिज में, तो अभी मैं लगा लेती हूँ। कौन सी लगाऊँ यार, रेड लगाती हूँ। आज बहुत दिन हो गए, बहुत दिन यानी कि पूरा लॉकडाउन में मैंने एक दिन भी लिपस्टिक नहीं लगाई शायद। मैंने लिपस्टिक लगाना बताया भी है वैसे तो, और भी बहुत लोगों ने बताया, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। कई बोलते हैं पहले ये दिख रहा है ना मेरा कोका का, ये कटवाने वाला यार। कई बोलते हैं अपना वो करो, पहले लिप को स्क्रब करो। अरे लिप को क्यों स्क्रब करना, अपना वैसे ही फेस सब जब स्क्रब करते हैं तो लिप्स भी हो ही जाते हैं। फोन में देख के लगा रही हूँ यार, मेरे लिप्स का ड्रॉबैक ये है भाई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मुझे कट है क्योंकि मैं ऊपर से गिर गई थी सेकंड फ्लोर से, और मेरी टांग हाथ और ये लिप, टांग हाथ तो फ्रैक्चर हुआ था, लिप कट गया था, तो यहाँ स्टिचेस हैं थोड़े से। बस यार जो जैसा है वो थोड़ा मोटा लगता है यहाँ से। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जिन पे एसिड अटैक हुआ है, वो भी तो लोग हैं, वो भी तो जी रहे हैं, और जीने का अधिकार सबको है। जैसी भी शक्ल भगवान ने दिया ऊपर वाले ने, मंजूर है मुझे। और आज तो मेरे फेस पे स्वेलिंग भी लग रही है मुझे, और आज आपको मेरे दाग धब्बे भी अच्छे से नजर आ रहे होंगे। तिल है ना, मुझे तिल बहुत ज्यादा है। ये घिस गई है यार, यहां नहीं लगानी चाहिए क्योंकि बाहर बाहर फैलती है फिर कई बार। आज घर पे ही मेकअप कर रही हूं मैं, आज ना मन कर रहा था मेरा।
आप लोग भी सोचते होंगे कैसी सी है ना, कभी कुछ करती नहीं। अच्छा मैंने मंगवाया जैम, और जैम हमेशा किसान का ही ज्यादातर लेते हैं ना, या फिर और किसी का। ये रुचि वाला मंगवाया और कल ही आया ये, यानी कि थर्सडे को, और इतना यम्मी है यार, इतना यम्मी है मिक्स फ्रूट वाला, किसान के जैम से भी यम्मी लगा मुझे। आप लोग भी ट्राई करना। और मैंने कल आया ये वीरवार को, आज शुक्रवार है और मैं इतना खा गई हूँ, सोचो देखो। मतलब बच्चों ने तो थोड़ा ही खाया है, वो नहीं इतना मीठा पसंद कर, और मैं देखो कितना खा गई उसको, देखो एक दिन में। मैंने कल रात को परौंठी बनाई वो भी इसके साथ खाई, और सुबह रोटियां दो इसके साथ खाई, आलू बड़ी की सब्जी के साथ एक ही रोटी खाई, मतलब तीन रोटी खाई आज मैंने सुबह, तो दो इसके साथ खाई। नहीं बेटा इतना ककम्बर नहीं खाते, इतना ज्यादा खीरा नहीं खाते होते। और मैंने बीच में रोक दिया था क्योंकि वो आ गई थी गुड़िया, तो ये आज गुड़िया ने कुछ भी नहीं खाया, आज टिया ने ना पूरा दिन पता क्या, ग्लूकोज टमाटो सॉस, तीन चार बार टमाटो सॉस ले ली कटोरी में। मतलब बच्चों को पालना ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब हम सोचते हैं ना, एक दिन मैं सोचती थी चलो टमाटो सॉस, हाँ मैंने जैम के साथ किसान का केचप मंगवाया, ग्लूकोज मंगवाया इनके लिए, क्योंकि अब इसके चलो थोड़ा अच्छा रहेगा, कुरकुरे वगैरह नहीं दूंगी, इस तरह करूंगी कुछ, है ना। लेकिन ये लोग कटोरी में भर भर के ग्लूकोज खा रहे हैं, ग्लूकोज का डब्बा 80% खत्म, मैंने चखा भी नहीं, मम्मी ने भी नहीं चखा। और टमाटो सॉस भर भर के ये ले रही है आंटी जी, छोटी मान ही नहीं रही है। और अब खीरा खा गई ये, खीरा देखो आप, अभी ये दोनों खीरा खा रहे हैं इस टाइम, रात हो रही है, मुझे डिनर बनाना है, मतलब फुलके बनाऊंगी और खा। इसको मैं इसलिए दे देती हूँ क्योंकि इसको थोड़ी गर्मी की शिकायत है, गर्मी रहती है इसको ना, इचिंग हो जाती है। लो जाओ अम्मा बस जाओ, बस आटा इतना सा बचा दिन का, दोपहर को चावल बना लिए थे और अभी इतना सा आटा बचा है, इसी में थोड़ा सा और गूंद लूंगी और चपाती बना लूंगी। और प्याज टमाटर की और हरी मिर्च की सब्जी बनाऊंगी, वही बनाऊंगी बस। और शॉपिंग वाला वीडियो बनाया हुआ है, बट वो यार उसमें थोड़ी सी इंक्लूड की है शॉपिंग, ज्यादा नहीं, तो वो आपको मैं संडे को या कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ऐसा है। और साथ में फिर और चीज़ें भी शेयर करूंगी जो मेरे पास थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, बेडशीट कलेक्शन वगैरह या और कुछ है ना, कोई मैं इतनी वो तो हूँ नहीं ईशा अंबानी की, मेरे पास बहुत महंगी महंगी चादरें होंगी, बट जैसी भी हैं 400 वाली भी है, 800 वाली भी है, 1100 वाली भी है, तो वो सब शेयर करूंगी जैसी भी है मेरे पास ना, वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी आप लोग भी मेरे को बताना यार, इस वाले ऑयल का रिव्यू मैंने आई थिंक डाल दिया है, इंस्टा पे डाला, पता नहीं यार मैं भी भूल जाती हूँ, मतलब जल्दबाजी में होते रहते हैं मेरे सारे काम। पर अच्छा हेयर ऑयल है ये, एक ही बार लगाया मैंने, आपको दिख रहा होगा वे पूरा फुल बॉटल था, बाहर गिरता रहता था इसमें से, एक बार लगाया मैंने इतना सा, ये पूरे सिर के लिए हो गया था मेरे, मतलब बालों में नहीं लगाया, सिर्फ जड़ों जड़ों में लगाया था मैंने। अच्छा लगा मुझे ये वाला ऑयल, और अच्छी कंपनी का है, एनक्यू कंपनी के, मैंने तीन प्रोडक्ट किए यूज़, अच्छे हैं वो भी। तो आज का ये मीनू सा ब्लॉग जो है, इसमें बस क्या, मैंने कुछ भी नहीं आज कुछ खास इतना दिखाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज़ झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो वो सारा आपको दिखाऊं, जहाँ जहाँ डस्टिंग कर रही हूँ उसके लिए होता है कि कोई और मेरी हेल्प कर रहा हो, लाइक मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो मेरे पीछे 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 घूम रहा हो कैमरा लेके, और खुद से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो भी बच्चों के साथ, मॉम के साथ। शॉप में भी जा रही हूँ अगर, तो जैसे आज रस्सी वस्सी लेने आए थे लोग, तो मम्मा को उस रस्सी के रेट्स का पता नहीं लगता है, कई बार मैंने लिख के रखा होता है तो पर्चा गुम हो जाता है, छोटी सी जैसे लेबल, तो मम्मा को पता नहीं चलता है उस रेट्स का, कम ज़्यादा होते रहते हैं तो वो सब, और मेरी मम्मी है ना नुकसान करवा देते हैं। 150 रुपये किलो रस्सी थी जो, 130 की मुझे आई थी, तो 150 रुपये किलो तो मैंने बेचनी थी, मैंने किराया भी निकालना है, तो मम्मा ने वो 130 में ही दिलवा दी, और एंड टाइम जितना पैसा बना उस चीज़ का उसमें भी 8 रुपये लेस करवा दिया, मतलब वो अपने पल्ले से गया। इसलिए जब मम्मी अगर मेरे हार्डवेयर में कुछ करते हैं ना, तो मैं मम्मी को मना ही करती हूँ कि आप अपना किराना कुराना बेच लो थोड़ा बहुत, अदरवाइज मैं अपने हार्डवेयर के सामान को कम ही बेचना पसंद करती हूँ मम्मी के थ्रू, क्योंकि मम्मी हमेशा उसमें नुकसान करवा देते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा मार्जिन ना कभी रखती भी नहीं हूँ। लाइक मेरे पापा से हमेशा यही सीखा है कि नॉर्मल मार्जिन रखो,
इतना ज्यादा नहीं कि लोग, और ऐसे पैसे भी आ रही है गांव है ना, इतना ज्यादा भी नहीं कि लूट खसोटी मचा दो, उस तरह का भी नहीं। और मैं हमेशा किचन में बैठ के ही बात करती हूँ, आप सोच रहे होंगे किचन में, तो यार किचन में ही आके मरती हूँ मैं, किचन ही मेरा फेवरेट प्लेस है। और अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इन लोगों के लिए बनाऊंगी चपाती और टमाटर प्याज वाली सब्जी, उसके बाद मेरा हो जाएगा डिनर ये ला कंप्लीट। उसके बाद मैं अपना डेको पेज जो है बहुत टाइम से पड़ा, अगर आप मेरे कनूज कॉर्नर पे जाओगे ना तो उस पर आप देखोगे मैंने इन वाली टाइल्स के लिए, किचन की इस वाली टाइल्स के लिए मैंने ना मंगवाया था स्टिकर्स, और क्योंकि ये खराब हो जाता है तो मैंने, हम पिछले 2 साल से बोल रहे हैं एक मिस्त्री जी को, आज भी मैंने फ़ोन किया उनको कि आप आओ और इसको ठीक कर दो, इसका मतलब ये चीज़ें उतार दो सारी और इसको यहाँ से पेंट कराओ, और अगर मेरा अभी इतना बजट नहीं कि मैं चिमनी लगवाऊँ, लेकिन मतलब इसको ठीक करो आप ना, पेंट वेंट कर दें हम यहाँ पे एक बड़ी सी टाइल ही लगवा लें, क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं वो यहाँ लगता है यार, और चिमनी वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ भाई मैं, सीधी सी बात। तो फिर देखती हूँ अब क्या करती हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं, और हमने 2 दरवाजा भी निकलवाना है दोनों कमरों के बीच, वो आ ही नहीं रहे, उनको 2 साल से ज्यादा हो गए। मेरे पापा 17 के एंड में गए थे दिसंबर में, और हमने उन्हें फरवरी में बोलना शुरू किया था, क्योंकि एक रूम में मम्मा मेरे और दोनों बच्चों के लिए सोना मुश्किल हो रहा था, जैसे मम्मा को मंजी लगानी पड़ती थी अलग बात है, लेकिन कई बार बच्चे ना उनके साथ शिफ्ट हो जाते थे, तो उनको अभी तक वो नहीं आए यार, और मम्मी कहती उन्हीं से काम करवाना है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कड़ा देखो मेरा मैच हो गया ना इसके साथ, ये सिंगल कड़ा 20 रुपए का लाई थी मैं। हाँ आप लोगों को ये भी शेयर करती हूँ, जिनका बृहस्पति खराब है, जिनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या पढ़ाई में माइंड नहीं चल रहा है, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हर किसी के अपने अपने ग्रह, अपने अपने नाम, खाना पीना, उठना बैठना होता है। तो वीरवार को पहली बात तो ये कि खाना पीना मीट मच्छी मांस शराब छोड़ दो। दूसरी बात, अगर उनको इस तरह की दिक्कत आ रही है तो येल्लो कलर का धागा, इस वाले येल्लो कलर का धागा, या तो वो अपने हाथ में बांध ले, कोई से भी हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज हैं तो राइट में, लड़कियां हैं अगर शादीशुदा हैं तो लेफ्ट में, अदरवाइज राइट में बांध लें, या गले में डाल लें येल्लो धागा, कड़ा, ब्रेसलेट बट येल्लो, या फिर सोने का भी डाल सकते हैं, लेकिन सोना जो है वो सूरज का भी प्रतीक होता है। और मैं ही चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ थोड़ी थोड़ी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, मैं उसके लिए हफ्ते में 1 घंटा ही दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये तो है नहीं कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है और पैसे कमाने, नहीं, मैं ये चीज़ अपने शौक के लिए सीख रही हूँ, और जब मैं किसी को दिक्कत में देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं अपनी दिक्कतें भी सॉर्ट आउट कर सकूँ और औरों की भी कर सकूँ, तो इसलिए मैं सीख रही हूँ। तो ये चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपसे ये कर ली है 10 मिनट और 30 सेकेंड हो चुके हैं बातें। आज का मीनू सा ब्लॉग अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते हो, अच्छा अगर लाइक कर दोगे ना तो खुशी मिलती है, वैसे भी कुछ आप लोगों का नुकसान तो है नहीं, बट लाइक करने से ना खुशी मिलती है, और हो सके तो प्लीज़ शेयर कर देना आगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर देना, और मुझे यहाँ पे देख के बात करने की आदत है, जबकि कैमरा का जो लेंस होता है वो इस साइड है, तो इस साइड बात करने में ये होता है कि ऐसे आप लोगों को तो लगेगा कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बात कर रही हूँ किसी से, तो ऐसी हूँ मैं कार्टून सी कभी कभी ना, कभी कभी ऐसे कार्टून जैसा मन हो जाता है। और आज मैं थोड़ी सी खुश इसलिए हूँ, टच वुड, आज पता है क्या हुआ, बहुत बड़ी बात हुई आज की, मैंने पूरे घर में झाड़ू भी कर लिया, पोछा भी कर लिया, वो भी बैठ कर, वाइपर से या उससे नहीं, स्पिनर से बैठ कर, लेकिन मेरी कमर में दर्द, बहुत ही माइनर सी थकावट हुई, दर्द नहीं हुआ, थैंक गॉड। और वो किस लिए नहीं हुआ है, कल या संडे को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्यों नहीं हुआ है, जबकि मैं कैल्शियम की टैबलेट भी लेती थी फिर भी मुझे दर्द आता था, थोड़ा सा झाड़ू लगाने के बाद कमर ऐसे उमा करके सीधी करनी पड़ती थी, तो किस लिए नहीं हुआ है ये मैं कल या परसों के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या ऐसे चीज खा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने बीच में अपना चैनल पिछला वाला छोड़ा था, तो अगर किसी को पता होगा ना, तो मैंने आयुर्वेद पढ़ ली थी, मेरे पास 7 बुक्स हैं आयुर्वेद की, वो भी मैं शेयर करूंगी, लेकिन आगे चल के, अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे चीकू का यानी कि अन्नी का काम बहुत पूरा करवाना है बहुत सारा, उसके लिए मेरी भाभी की हेल्प ले रही हूँ कल से, क्योंकि फिर मेरा घर का काम रह जाता है, अगर मैं उसे पढ़ाने लगती हूँ तो बहुत डेट है, मेरे से पढ़ता भी नहीं है, तो इस तरह से बहुत हौश पौश रखी लाइफ अभी लॉकडाउन के दौरान, वरना यह होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना
तो थोड़ी देर इंसान बैठ भी जाता है, व्लॉगिंग भी कर सकता है या फिर और कुछ काम भी कर सकता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपके साथ धीरे धीरे सारी चीजें शेयर करूंगी, अपनी आयुर्वेदिक बुक्स भी शेयर करूंगी, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो तो नहीं शेयर कर सकती खैर, क्योंकि वो तो बहुत जो सिखा रहे हैं बहुत मिन्नतें करके सिखा रहे हैं और बहुत जाने माने हैं, तो वो सब करूंगी। और बच्चा पार्टी आ गई तो अभी मुझे बनाना उनके लिए डिनर, और डिनर में वही प्याज टमाटर हरी मिर्ची की सब्जी बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा अदरक डाल के और फुलके, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। घिया विया पड़ा तो रात को कोई घिया खाएगा नहीं, और दाल खाने का इस टाइम मन नहीं है। और मेरा ये सूटके से लगा बताना, थोड़ी मोटी हो गई यार, लेकिन पतली होने के लिए मैं कर तो रही हूँ, सुबह शहद वाला पानी पी रही हूँ। और ये लास्ट ईयर से लाया था मैंने गर्मियों में, थोड़ा ही पहना था, और बालों का भी बताना मेरे बाल झाड़ू जैसे हो रहे हैं, इस पर भी लगाऊंगी पैक वैक, वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, तेल ही नहीं लगाया, 2-3 बार बाल धो चुकी हूँ। तो यार ऑलमोस्ट डिनर हो गया है, मम्मा सो गए हैं, बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ मैं, किचन विचन मैंने जितना कर सकती थी साफ कर दिया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट करना था। ये कुछ खास एडिटिंग भी मैं नहीं करती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग टूल्स म्यूज़िक ये सब नहीं करती, ओरिजिनल अपने व्लॉग्स डालती हूँ। और मेरे फ़ोन का जो है साउंड ख़राब है, इसलिए वॉइस ओवर कहीं कहीं नहीं की होगी, उसके लिए माफ़ कर देना, इसका साउंड ख़राब हो गया था परसों पता नहीं कैसे अपने आप। और एक चीज़ और, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपका क्लियर नहीं आता, तो यार ऐसा ही फ़ोन है मेरे पास, अब इसमें जो भी क्लैरिटी आप लोगों के सामने है ऐसी ही शक्ल है मेरी। और क्या है ना, ये फ़ोन जैसे इसका इधर को होता है, बीच में तो होता नहीं फ़ोन की तरह, इसका लेंस साइड में होता है, तो उस वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से वैसे ही मेरे को यहाँ स्टिचेस हैं, और उसकी वजह से जब फेस यहाँ से इधर से आता है ना, क्योंकि इस साइड लेंस है इसके, मतलब इस फ़ोन के सेंटर में नहीं है, तो ये चीज़ इधर से फेस और ज़्यादा ये मोटू आता है यहाँ से गाल, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है जब मैं कैमरा लेने में सक्षम हो जाऊँ तब कुछ हो सके, लेकिन ऐसे और वैसे भी मेरा फेस ऐसे ऐसे ही है, मोटू मोटू ही है अभी, और ये चीज़ मैं पतली कर लूँगी जैसे मैं पहले थी ऐसे वाली। तो चलो आगे के ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ मिलकर मैं अपना स्लिमिंग रूटीन और DIYs और पता नहीं क्या क्या करूँगी, होप आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स थोड़े से भी अच्छा लगे और तो फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़, बिकॉज बेल आइकन अगर आप नहीं करते हैं, अगर बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ये सब तो कहते ही हैं और आपको पता भी होगा। तो चलिए मैं भी रखती हूँ अभी ब्लॉग, फिनिश करती हूँ यहीं पर, काफ़ी रात हो गई है और लेट ही पोस्ट होगा ये, तो गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।